my dear students, in previous video we discussed about how to build houses and which material are used in to build house. Now the next topic is for builders. Who are builders? Do you know who are builders? क्या आप जानते हैं कि builders कौन होते हैं? The person who build the house are called builders. Now, the next thing is, first of all, to build a house, we need a land. हमें जब हम एक घर बनाते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक ज़मीन की ज़रूरत होती है, एक लैंड की, कि हम वो एक प्लॉट ख़रीदते हैं, उसको हम बाय करते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं? The person who first work in a house is called an architect. Architect. Architect कौन होता है? जो घरों के नक्शे बनाता है. The architect makes a plan which helps other workers to do their jobs. Then, in this picture, a plumber fits all the pipes and taps. प्लम्बर क्या करता है? तमाम घर में पानी की नलकों की सारी फिटिंग करता है. इन द नेक्स्ट पिक्चर अ ब्रिक वर्कर बेक्स ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग द वॉल्स. इस पिक्चर में ये क्या कर रहा है? ईंटें बनाई जा रही हैं घर को या दीवार को बनाने के लिए. ईंटें दीवार जो होती है वो किस चीज़ से बनती है? ईंटों से बनती है. तो यहाँ पे इस पिक्चर में ईंटें जो हैं वो बनाई जा रही हैं. The next is a laborer digs, lifts, carries things and helps the other workers. ये जो मजदूर होते हैं, लेबरर कहते हैं मजदूर को, ये क्या करते हैं? ये खुदाई करते हैं, चीज़ों को लाते और ले जाते हैं और दूसरे वर्कर्स की हेल्प करते हैं. The next picture shows a carpenter makes the windows and doors. He works with wood. ये लकड़ी के साथ काम करता है. घर की खिड़कियाँ और दरवाजे किससे बनते हैं? लकड़ी से. The next picture is an electrician puts in all the wires and plug points. फिर घर में क्या होता है? बिजली वाला जो है वो इलेक्ट्रिशियन जो है वो आता है और घर में बिजली की सारी फिटिंग करता है. The next A painter paints the walls and the wooden frames. फिर घर में क्या होता है? पेंट होता है जिससे जो दीवारें हैं वो खूबसूरत हो जाती हैं, कलरफुल हो जाती हैं और हमें अपना घर बहुत प्यारा लगता है. नेक्स्ट पिक्चर क्या है? A plasterer covers the wall with a smooth layer of प्लास्टर. घर में जब दीवार बन जाती है तो उसके ऊपर क्या होता है? प्लास्टर किया जाता है, क्लियर, ताकि वो वॉल जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है. सम ऑफ दीज वर्कर्स आल्सो डू रिपेयर वर्क एंड मेक अदर थिंग्स. दे मेक स्मॉल थिंग्स लाइक टेबल्स एंड चेयर्स. दे हेल्प टू बिल्ड बिग थिंग्स लाइक डैम्स, फैक्ट्रीज एंड ब्रिज. मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त घर में नए घर ही बन रहे हों. हम घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं तब भी हम इन लोगों को बुलाते हैं. लाइक कभी हमने घर में पेंट करवाना होता है तो हम पेंट वाले को बुलाते हैं. हम बिजली वगैरह ख़राब हो जाती है, फिटिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, क्लियर. तो इस पैराग्राफ में उन्होंने ये चीज़ शो किया. नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स. कारपेंटर, प्लम्बर, electrician and other workers all need tools. Tools help us to do their work easily. Many thousand of years ago people did not have any tools. यानी जितने भी ये हमारे पास electrician है, plumber है, carpenter है, ये जितने भी हैं इनको क्या चाहिए होते हैं? Tools चाहिए होते हैं जिनकी मदद से ये काम करते हैं. First tool is hammer, plumb line, drill, screwdriver, chisel, saw, plane, pliers, pipe wrench, file, trowel, spanner. Safety. Tools are useful but you can hurt yourself if you use them badly. Take care of them, use them only for the jobs they were made for. Clear?